आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और लेकर आएंगे मेटल्स आपकी स्क्रीन पर। और आप देख सकते हैं नित नए हाईज यहां पर भी बनते हुए नजर आए हैं। कॉपर में करीब करीब अब यहां पर परसेंटेज पॉइंट की तेजी है और वही हाल यहां पर जिंक और एल्यूमिनियम का भी। कॉपर और एल्यूमिनियम 13 महीने के हाईज पर है और जिंक में करीबन 3 महीने के हाईज पर कारोबार। दिनेश जी, तेजी यहाँ पर चौतरफा है और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि ठीक है, फंडामेंटल्स यहाँ पर स्ट्रांग हैं, काफी कुछ फैक्टर इन भी शायद हो चुका है, क्या अब ये फ्रॉथ है और कैसे करें इसमें कारोबार? मनीषा जी, पहले भी हमारी बात हुई थी कि मार्च एंड के बाद में ऐसा लग रहा था कि बाकी जो इकोनॉमीज है वहां पर थोड़ा बहुत रिवाइवल आएगा, वहां पर आउटपुट और इंडस्ट्री का जो डेटा है वो अच्छा निकल कर आएगा और इत्तेफाक से सब ऐसा ही हुआ है। उसी के चलते कॉपर में एक ब्रॉड बेस बाइंग आई है, 777-795 ये एक्सपेक्टेड था और ये हुआ भी। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीदर आना चाहिए। जिंक पे जो नीचे 217 रुपए था वो 226 रुपए हुआ, एल्यूमिनियम जो 210-211 रुपए था वो 220 रुपए हुआ। मुझे लगता है कि एक जो ब्रॉड बेस रैली आई है कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉज लेनी चाहिए। थोड़ा डाउन साइड अगर आता है तो खरीदारी अभी खत्म नहीं हुई है, मोमेंटम बरकरार है। मुझे लगता है 792 के आसपास कॉपर फिर एक बाइंग का लेवल बनेगा, 224 के आसपास का जिंक का बाइंग लेवल बनेगा और 217 के आसपास का एल्यूमिनियम का लेवल दोबारा बाइंग बनेगा। एक दोबारा फॉलो थ्रू रैली इसमें अभी भी बाकी है, मुझे लगता है बायर्स के लिए अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर और आएगी। ओके, और जहां तक एनर्जी मार्केट्स का हाल है, अब यहां पर क्या करने की राय है? ऑलमोस्ट 90 के आसपास कारोबार और इस क्वार्टर में तो सभी की तेजी यहां पर देखने को मिली है। वॉल स्ट्रीट बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का मानना है कि डेफिसिट ऑलरेडी हम यहां पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बनता हुआ देखेंगे इस क्वार्टर में और उसका और फायदा यहां पर कच्चे तेल के प्राइसेस को मिलेगा। जी बिल्कुल, निचले स्तर से अगर हम देखते हैं तो काफी ज्यादा तेजी आ चुकी है। क्रूड के अब तक के जो 6500-6600 के रेट थे वो 7200 के आसपास के रेट से, मुझे लगता है अभी इन लेवल पर बाइंग से थोड़ा सा दूरी बनाए के रखना चाहिए। 7210-7220 का क्रूड चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। यहाँ से कम 100-150 रुपए की अगर मंदी आती है तो खरीदारी का अवसर ढूंढे, लेकिन इन लेवल पर बाइंग नहीं करना चाहिए। हाँ, नेशनल गैस एक ऐसा लेवल है जो एक रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर चल रहा है, 152-153 का नेचुरल गैस बाइंग करके चलना चाहिए। 165 का लेवल हमें दोबारा देखने मिल सकता है, 147-50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई नॉन एग्री स्पेस की, एक नजर यहाँ पर एग्रीकल्चर पे भी डालनी चाहिए। क्या ये जो स्मार्ट मनी है, हॉट मनी है, क्या ये हमने एग्री में भी आते हुए देखी है? क्योंकि कल का दिन तो यहाँ पर बेहतर था, आज निचले स्तरों पर कहीं कहीं खरीदारी बरकरार है। ये बिल्कुल, पहले रैली इक्विटी में आई है, एक साल तक से रैली कंटिन्यू चल रही है, फिर बुलियंस में आई है, बेस मेटल्स में आई है, करेंसी में भी कुछ हद तक के हमने रैली देखी, तो फिर एग्री पीछे क्यों रहे? और सारा के सारा जो वैल्यूज ऐसी लग रही थी जैसे कि एक महासेल लगा हुआ है एनसीडीएस के कमोडिटीज में, तो जो 23,000 का जीरा था अंडर वैल्यूड ही था, जो 7600 का धनिया था अंडर वैल्यूड ही था, जो 16,000 की जो हल्दी थी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड ही थी। मुझे लगता है सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड कोई चीज थी वो थी ग्वार सीड, 5100 रुपए की ग्वार सीड वॉज एक्चुअली अ वैल्यू बाइंग लेवल। वहां से जो हमने मोमेंटम आता हुआ देखा, मुझे लगता है ये मोमेंटम और कुछ समय के लिए बरकरार रह सकता है। अभी अगर हाल फिलहाल कोई टॉपिक अगर निकल कर आती है एनसीडीएक्स में तो मुझे लगता है कि अप्रैल का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 5350 के आसपास बाय करना चाहिए, 5550 के लेवल्स हमें अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिल सकते हैं। वही गम की बात अगर मैं कहूँ तो अप्रैल गम जो है कम से कम 11100 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, 10450 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जी हाँ, अच्छी खासी बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार है। जो लेवल्स आपने मेंशन किए उसके बाद गुआर में यहाँ पर खरीदारी लौटते हुए नजर आई है और आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि एक के बाद एक एसेट क्लास बढ़ते हुए नजर आए हैं और सभी बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो कहाँ पहले एक आए ब्लिंक ऑफ द आई देखने को मिलेगा, कहाँ पहले मुनाफा वसूली आती है वो ऑफकोर्स बाजार उसके ऊपर नजर रखेगा। दिनेश जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल कमोडिटीज की कवरेज की तरफ से इतना, ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स का हाल।